गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम विक्टोरिया इंटरनेशनल स्कूल एंड टुडे आई विल रीड चैप्टर नंबर 9 तिलकाष्टम महिषा वंदनम। वेयर आई लेफ्ट आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। कृष्णदेव राय वॉज फ्यूरियस। कृष्णदेव राय जो थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। इज देयर नो बडी टू टेक ऑन दिस स्कॉलर, यहाँ पर कोई भी नहीं था देखिए इस विद्वान को जो ले सके। ही रोड इन एंगर, वह देखिए गुस्से में दहाड़ रहा था। इज माई एम्पायर स्टार्व्ड ऑफ लर्न्ड मैन, यदि मेरा जो साम्राज्य जो है वो कोई भी सीखे जितने भी सिद्ध व्यक्ति हैं इनमें से कोई भी ये पता नहीं कर सकता। तो इट इज इट नॉट अ सेम टू द एम्पायर दैट वी डोंट हैव इवन वन सिंगल पर्सन टू डिबेट विद दिस स्कॉलर। ये बहुत ज़्यादा शर्म की बात होगी हमारे साम्राज्य के लिए यदि कोई भी एक भी व्यक्ति जो है इसके इस विद्वान के साथ जो है डिबेट नहीं कर पाया। तो ही सीड्र विद एंगर, वह देखिए बहुत ज़्यादा गुस्से के साथ चिल्लाए। तेनाली रमन हु वॉज प्रेजेंट वॉचिंग वॉट हैड हैपन, तेनाली रमन जो है वो जो वहाँ पर उपस्थित थे वो यह सब देख रहे थे कि क्या हो रहा है क्या हुआ। स्टेप्ड फॉरवर्ड, और उन्होंने देखिए आगे की तरफ कदम बढ़ाए। योर माजेस्टी, मेरे भगवान ये राजा ही सैड हम्बली, उन्होंने विनम्रता के साथ कहा। आई विल डिबेट विद दैट स्कॉलर टुमैरो, मैं चर्चा करूँगा देखिए इस विद्वान के साथ उस विद्वान के साथ कल। डोंट वरी, आप चिंता मत करो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन देखिए एज द कोर्ट गैदर्ड विद द स्कॉलर फ्रॉम अनोदर टाउन प्रेजेंट, और देखिए जैसे ही राज्य में जो है सब लोग इकट्ठे हुए, अन्य वो विद्वान भी देखिए अन्य भी विद्वान जितने भी विद्वान थे उस कस्बे के सब मस्त हुए। तेनाली रमन वॉक्ड इन मैजेस्टिकली, और तेनाली रमन जो है वहाँ पर घूम रहे थे राजा के दरबार में। हिज डिसिपल्स इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसका जो देखिए डिसिपल्स उसका शिष्य जो है वो उसके सामने था। हेलिंग हिज प्रेजेस, और उन्होंने देखिए उनकी प्रशंसा की। एंड टाइटल्स, और टाइटल दिया। ही वॉज वियरिंग अ धोती एंड अ देजलिंग टर्बन स्टब्ड विद गेम्स विद जेम्स सॉरी एंड हैड बिग रिंग्स ऑन हिज फिंगर्स एंड अ हैवी गोल्ड चैन अराउंड हिज नेक। देखिए उन्होंने जो है वो पहन रखी थी धोती और एक टर्बन बांध रखी थी सर पर, और उन्होंने देखिए जेम्स के साथ, और उन्होंने जो है बड़ी बड़ी अंगूठियाँ पहन ली थी अपनी उंगलियों में, और गोल्ड की चैन पहन ली थी मोटी सी, ठीक है। He carried a bundle wrapped in a red silk, और उन्होंने एक देखिए रेड सिल्क कलर का बंडल भी क्या कर लिया था लपेट लिया था यानी कि दुपट्टा। एंड हेल्ड इट क्लोज टू हिज चेस्ट, और वो उन्होंने अपने छाती पर बांध रखा था बंद करके। तो इवन द एम्पायर वॉज स्टंड एट दिस शो बट वॉज नॉट स्टिल श्योर टू तेनाली रमन्स कैपेबिलिटी, और यहाँ तक कि पूरा राज्य जो है वो क्या हो गया था आश्चर्यचकित हो गया था यह सब देख करके, लेकिन कोई भी जो है श्योर नहीं था तेनाली रमन की जो कैपेबिलिटी थी उस पर सबको विश्वास था। तेनाली रमन सेट विद हिज डिसिपल्स ऑन द डे विद ऑलरेडी द स्कॉलर वॉज सीटेड, तेनाली रमन जो है बैठे हुए थे अपने शिष्य के साथ अपनी सीट पर, और वेयर जहाँ पर विद्वान जो है पहले से ही बैठे हुए थे वहीं पर। तो ही प्लेस्ड द सिल्क बंडल इन फ्रंट ऑफ हिम, और वो देखिए सिल्क जो सिल्क था उसका बंडल जो है पहनकर आए थे। एंड लुक्ड एट द एम्परर फॉर हिज कंसेंट टू स्टार्ट द डिबेट, उन्होंने राजा को देखा और कहा डिबेट स्टार्ट करने के लिए। द एम्परर सिग्नल्ड दैट द डिबेट कुड बी स्टार्टेड, और राजा ने कहा कि डिबेट जो है वो अब शुरू कर दी जाए हो सकती है। तेनाली रमन क्लियर्ड हिज थ्रॉट, तेनाली रमन जो है उन्होंने अपना गला साफ किया। रेस्पेक्टेड सर, सम्माननीय सर श्रीमान, ही सैड,
उन्होंने कहा, एड्रेसिंग द स्कॉलर फ्रॉम काशी, अपने आप को संबोधित करते हुए काशी से, तो सिंस यू हैव टोल्ड दैट वी कुड डिबेट ऑन अ लिटरेरी वर्क ऑफ माय चॉइस, और यदि भी तुम जो है बता सकते हो, हम डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे अब लिटरेरी वर्क पर जो मेरा पसंदीदा है, आई हैव चूजन टू डिबेट अबाउट तिलकाष्ठा महिषा वंदनम, मैं पसंद कर चुका हूँ डिबेट पर चर्चा करना, यानी कि चर्चा करना जिसके बारे में, तिलकाष्ठा महिषा वंदनम पर, तो विल यू स्टार्ट द डिबेट और शुड, क्या तुम शुरू करोगे या नहीं, क्या हमें शुरू करना चाहिए या नहीं, तो ही स्टॉप्ड टू ऑब्जर्व द स्कॉलर, उसने रोकना शुरू कर दिया स्कॉलर को ऑब्जर्व करना, द स्कॉलर हैड अ शोक शोक ऑफ हिज लाइफ, स्कॉलर जो है वो देखिए अब क्या है उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी को क्या करने लगे, शॉक्ड करने लगे, ही हैड शॉक करने लगे, ही हैड रेड ऑलमोस्ट ऑल द लिटरेरी वर्क्स ऑफ हिज टाइम, और वह पहले से ही पढ़ चुके थे लिटरेरी वर्क अपने समय का, बट हैड नेवर एवर इवन इन हिज ड्रीम्स हर्ड ऑफ दिस वर्क तिलकाष्ठा महिषा वंदनम, लेकिन देखिए उन्होंने कभी भी ऐसा सपना नहीं देखा था, एक भी बार इसका इस तरह से कुछ भी काम जो है नहीं सुना था, क्या ये तिलकाष्ठा महिषा वंदनम, ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया हिज मिस्टेक, अपनी गलती को, ऑफ हैविंग अलाउड तेनाली रमन टू चूज द वर्क ऑफ हिज चॉइस, और उन्होंने अलाउ किया तेनाली रमन कोई भी काम अपनी चॉइस से, पसंद से चुन सकता है, हिज फेस वॉज फिल्ड विद पैनिक, उनका चेहरा जो है दर्द से भर गया, एंड ही हरीडली, और तुरंत ही लुक्ड एट द एम्परर, उन्होंने देखा राजा को, एंड सैड सम्राट को देखा, एंड सैड, और कहा वेरी हम्बली निम्रता से, योर माजेस्टी मेरे अन्नदाता, आई हैव रेड दिस वर्क अबाउट मैनी ईयर्स एगो, मैं ये देखिए इस तरह का यह जो काम है ये बहुत साल, इसके बारे में बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, एंड आई सी कडेस टाइम टू रिकॉल, और मैंने एक ही दिन में देखिए इसको रिकॉल किया है, याद किया है, द कंसेंट ऑफ द वर्क, इस काम के कंसेंट को, इफ यू परमिट, यदि आप अलाउ करें तो, कैन वी डिबेट ऑन दिस टुमेरो, क्या हम डिबेट कर सकते हैं इस पर कल, द स्कॉलर हरिडली गॉट अप, स्कॉलर विद्वान ने देखिए तुरंत ही इसको पा लिया, एंड रश्ड टू द गेस्ट हाउस वेयर ही वॉज स्टेइंग, और वह देखिए जहाँ पर भीड़ लगी हुई थी, अतिथि रुके हुए थे, उस घर में वह रुक गया, द नेक्स्ट डे, अगले दिन देखिए, ही वॉज नॉट सीन एट द कोर्ट, एंड वेन द एम्परर सेंट गार्ड्स टू द गेस्ट हाउस, और वह देखिए नहीं देखा गया राज्य में, जहाँ जो राज्य था वहां पर गार्ड भेजा गया अतिथि गृह में, दे फाउंड दैट ही हैड लेफ्ट द किंगडम विद बैग एंड बैगेज, वो जो है छोड़ चुके थे राज्य को अपने सामान के साथ, द एम्परर, अब देखिए सम्राट, विद अ बिम्यूज्ड एक्सप्रेशन लुक्ड एट तेनाली रमन एंड आस्क्ड हिम, तेनाली रमन, इवन आई हैव नॉट रेड दिस लिटरेरी वर्क तिलकाष्ठा महिषा वंदनम, और सम्राट देखिए उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया देखते हुए तेनाली रमन को, कि उन्होंने पूछा उससे कि तेनाली रमन, मैंने ऐसा कोई भी लिटरेरी काम जो है तिलकाष्ठा महिषासुर वंदनम नहीं सुना, वॉट इज अबाउट, इसके बारे में क्या है, वॉट इज इट अबाउट, तेनाली रमन विद अ स्पार्कल इन हिज आइस, तेनाली रमन की आंखों में चमक थी, और ओपन्ड द सिल्क बंडल, उन्होंने अपना सिल्क बंडल खोल दिया, ही वॉज होल्डिंग, और वह पकड़े हुए थे, एंड टू द अटर शॉक ऑफ एवरी वन प्रेजेंट, और सभी लोग जो भी वहां पर उपस्थित थे वो सभी शॉक्ड हो गए, आश्चर्यचकित, द बंडल कंटेन्ड अ ड्राइड ट्विग ऑफ अ सी सेम प्लांट, बंडल जो था वो किसी का नहीं था, सूखे हुए जो पेड़ थे उनका, प्लांट का था, पौधों का था, अ रोप विच इज यूज्ड टू टाई अ बफेलो, और जो रस्सी जो थी वो किसकी, वो भैंसों को बांधने वाली रस्सी थी, तेनाली रमन एक्सप्लेन, तेनाली रमन ने व्याख्यान किया, दिस सी सेम इज कॉल्ड तिला इन संस्कृत, ये जो सेम है यह कहलाता है तिला, टीला संस्कृत में,
अकाष्टा मीन्स स्टिक, अकाष्टा मीन्स मतलब होता है लकड़ी, एंड सो द ट्विग ऑफ अ सीसेम प्लांट इज तिलकाष्टा, और इसलिए देखिए सीसेम का प्लांट का अर्थ क्या हुआ, तिलकाष्टा। महिषा इज बफेलो, महिषा मतलब बफेलो भैंस इन संस्कृत, संस्कृत में तो, एंड बंधनम मीन्स, और बंधनम मतलब होता है ट्राइंग इन संस्कृत, कोशिश करना संस्कृत में, तो दिस रोप देयर फोर इन महिषा बंधनम, तो यह रस्सी जो है यदि भी किससे है, महिषा बंधनम, एज इट इज यूज्ड फॉर द पर्पज, और यह है इसका उद्देश्य है। नाउ यू नो, और अब आप जानते हैं व्हाट तिलकाष्टा महिषा बंधनम इज ऑल अबाउट, अब आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। द कोर्टियर्स, द कोर्टियर्स एंड द एम्परर लाफ्ड अनकंट्रोलेबली एट द विट ऑफ तेनालीरामा, और सब लोग वहां पर जितने भी उपस्थित थे उसमें सम्राट वो राज्य में, वो सब वहां पर बहुत तेज हंसने लगे। एंड द एम्परर एज यूजुअल गेव तेनालीरामा लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर सेविंग द नेम एंड फेम ऑफ विजयनगर किंगडम, और देखिए एम्परर ने यानी कि सम्राट ने, एम्परर भी तब भी उन्होंने, एम्परर और जितने भी वहां पे दरबारी थे वो सब हंसे थे, और उन्होंने सम्राट ने जो है तेनाली रमन को बहुत सारे गिफ्ट दिए और उन्हें सम्मान दिया, और उन्हें देखिए विजयनगर का राज्य का सम्मान मिला।